हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिट। आज की हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि योगी सरकार में किस मंत्री को, किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से मंत्रालय मिले हुए हैं। ग्रामीण, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। चौथा, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ऐसे मंत्रालय श्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं या उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब हम अमित शाह के बारे में जानेंगे। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला हुआ है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, नितिश गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला हुआ है, डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मिला हुआ है, रामविलास पासवान को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय मिला हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज विकास मंत्रालय मिला हुआ है। अब रविशंकर प्रसाद को कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला हुआ है। हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला हुआ है। थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिला हुआ है। सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय, रमेश पोखरियाल और संसाधन विकास मंत्रालय मिला हुआ है। और अब जानेंगे अर्जुन मुंडा को जनजातीय मंत्रालय मिला हुआ है। स्मृति जुबिन ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिला हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय मिले हुए हैं। पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिले हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय मिले हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला हुआ है। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामलों के मंत्री हैं और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय मिला हुआ है। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिला हुआ है। अब अरविंद कड़पत सावंत को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय मिला हुआ है। गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय मिला हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय मिला हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।